बोल सियापति राम चंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, बोलो जी भाई सब संतन की, सनातन हिंदू धर्म की, गोमाता की, भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की, जय भवानी, जय भवानी। मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, हम जिनका गाना सुनने के लिए आतुर है, ऐसे हंसराज जी, श्रीराम जी और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, 22 जनवरी को हम सभी जानते हैं राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है और 500 साल के इंतजार के बाद प्रभु श्री राम लला अपने स्थान पर वापस विराजित होने वाले हैं। ये 500 साल का संघर्ष, कई लड़ाइयां हुई और ये सारी लड़ाइयों के बाद 6 दिसंबर 1992 को मुझे आज भी याद है, सुबह का समय था, स्टेज लगा हुआ था, हजारों कार सेवक वहां पर थे, स्टेज के ऊपर हमारे सारे नेता थे, वो कह रहे थे कार सेवकों को कि हमें कार सेवा करनी है और सारे कार सेवकों ने तय कर लिया ये कलंक का ढांचा नीचे आएगा और सारे कार सेवक दौड़ते हुए ढांचे की ओर चले गए। हम सब लोग वहां पर पहुंचे, ढांचे के पास पहुंचे, कई कार सेवक ढांचे पर चढ़ गए और ढांचे को नीचे गिरा दिया और हमारे राम जी का मंदिर वहां पर तैयार हो गया। रातों रात राम जी का मंदिर वहां पर तैयार हुआ। उस समय हमारा नारा था, राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। लेकिन 1992 में नारा बदला और फिर नारा क्या हुआ, राम लला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे। और ये भव्य मंदिर अब वहां बन चुका है और वहां पर राम लला की मूर्ति फिर से विराजित हो रही है और हमारे प्रधानमंत्री जी के हाथों से उसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो कहते हैं हम 22 तारीख को अयोध्या नहीं जाएंगे। अरे ये लोग किस मुंह से जाएंगे? ये वो लोग हैं जिन्होंने 2007 में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि राम ये तो काल्पनिक है, ऐसा तो कोई मंदिर था ही नहीं, ऐसा कोई हमारे पास सबूत नहीं है कि राम जी का जन्म ये अयोध्या में हुआ था। ये वो लोग हैं जिन्होंने 2011 में हलफनामा दिया था और कहा था कि राम सेतु नाम का कोई सेतु अस्तित्व में नहीं है क्योंकि राम जी तो काल्पनिक थे, इसलिए इस सेतु को तोड़ भी दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसे जो सारे नालायक हैं वो आज भी अयोध्या नहीं जा रहे हैं। लेकिन हमने तो पहले दिन से कह दिया, जो राम का नहीं, जो राम का नहीं, जो राम का नहीं, तो ये बिन काम के लोग ये नहीं जाएंगे। लेकिन हम सारे के सारे 22 के बाद यहाँ जो जो सब लोग राम जी को मानते हैं, हर व्यक्ति को अयोध्या जाना है, सबको अयोध्या जाकर दर्शन लेना है,
और इसलिए मैं अभी ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन आपको एक गीत मेरे साथ बोलना है। बोलेंगे? मेरा सुर हंसराज जी जैसा नहीं है, मैं बेसुरा हूं। ये गीत मैंने लिखा नहीं है, लेकिन राम जन्मभूमि आंदोलन का सबसे प्रमुख गीत रहा है। तो मेरे साथ कहेंगे, जागो तो एक बार, जागो जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू, जागो तो, जागो तो एक बार, जागो जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू, जागो तो। जागे थे वीर शिवाजी, जागे थे वीर शिवाजी, जागे थे वीर शिवाजी, भागे सारे दुश्मन पाजी, भागे सारे दुश्मन पाजी, चमक उठी तलवार, जागो जागो तो, जागो तो एक बार, जागो जागो तो। जागे थे गुरु गोविंद प्यारे, 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 देश पे अपने लाल थे वारे, लुटा दिया परिवार, जागो जागो तो, लुटा दिया परिवार, जागो जागो तो, जागो तो एक बार, जागो जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू, जागो तो। जागी थी झांसी की रानी, जागी थी झांसी की रानी, जागी थी झांसी की रानी, खूब लड़ी पर हार न मानी, खूब लड़ी पर हार न मानी, मचा दिया संग्राम, जागो जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू, जागो तो। जागे थे भगत सिंह दीवाने, जागे थे भगत सिंह दीवाने, फांसी झूले हार न माने, फांसी झूले हार न माने, लुटा दिया परिवार, जागो जागो तो, जागो तो एक बार, जागो जागो तो। जागे थे कोठारी भाई, जागे थे कोठारी भाई, जागे थे कोठारी भाई, मंदिर पे ध्वजा लहराए, मंदिर पे ध्वजा लहराए, लुटा दिया परिवार, जागो जागो तो, जागो तो एक बार, जागो जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू, जागो तो। जय श्री राम, जय श्री राम। हिंदू जागा भी, मंदिर बना भी, और रामलला विराजमान होंगे भी। जय श्री राम।